Speaker of Lok Sabha. In the very first meeting, after the election of Lok Sabha, the member of Lok Sabha elect a speaker and deputy speaker. तो जैसे ही इलेक्शन होता है, इट मीन्स जब इलेक्शन होता है और उसमें जब फर्स्ट मीटिंग होती है लोकसभा, द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट अ स्पीकर. तो लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर. तो जो मेंबर है लोकसभा के, वो क्या करते हैं, स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, मिस अध्यक्ष, एंड डेप्यूटी स्पीकर मिस उपाध्यक्ष. लोकसभा फंक्शन अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल द स्पीकर. मीन्स लोकसभा क्या करती है, फंक्शन अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल द स्पीकर. जो भी कार्य करती है वो किसके अंडर में, स्पीकर के अंडर में, बस उनके गाइडेंस के साथ वो काम करती है, बट उन पे कंट्रोल भी लोकसभा का होता है. लोकसभा रिप्रेजेंट द सिटीजन्स एंड द स्पीकर रिप्रेजेंट द लोकसभा. मीन लोकसभा रिप्रेजेंट किसको करती है, सिटीजन्स को, बट स्पीकर रिप्रेजेंट लोकसभा को करता है. आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज स्पीकर ही शी हैज़ टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस इन एन अनबेस्ड मैनर. तो जो भी कुछ मीन्स वुमन हो या मैन हो, जो भी कुछ स्पीकर होते हैं या डिप्टी स्पीकर होते हैं, उनको जो हाउस है उनका, इट मीन्स लोकसभा या और राज्यसभा, वहाँ पे उनको काम करते वक्त अनबेस्ड मैनर से किया, निपक्षपाती काम करना पड़ता है. लोकसभा मेंबर हैव सम राइट्स एंड प्रिविलेज एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. तो लोकसभा मेंबर के पास कुछ राइट्स होते हैं और उनके पास विशेष अधिकार भी होते हैं पीपल के वेलफेयर के लिए. दिज आर टेकन केयर ऑफ बाय द स्पीकर. इसकी केयर लेना किसका काम है, स्पीकर का. अपार्ट फ्रॉम दिस, द स्पीकर हैज टू मेंटेन द डिकोरम एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस एज अ वेल एज इंटरप्रिट द रूल्स ऑफ डेली फंक्शनिंग ऑफ द हाउस एंड वर्क अकॉर्डिंगली. तो जो भी कुछ वहाँ पे रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके आधार पर स्पीकर को काम करना पड़ता है और जो डेली जो काम है वो मेंटेन करना पड़ता है. द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द चेयरमैन एक्सरसाइज अ कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा. तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो राज्यसभा के कार्य करता है और वहाँ पे कंट्रोल करता है. द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. तो हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो पदसिद्ध अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के. द फंक्शन ऑफ राज्यसभा चेयरमैन आल्सो इंक्लूड मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द हाउस, फैसिलिटिंग डिस्कशन, गिविंग मेंबर अ चांस टू स्पीक. तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनका काम क्या है, मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन इन द हाउस. मीन्स उस हाउस में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, फैसिलिटिंग डिस्कशन, जो भी कुछ डिस्कशन है वो उसको अरेंज करना, गिविंग मेंबर अ चांस टू स्पीक, उनको बात करने का चांस देना. अंडरस्टैंड इट, बोथ हाउसेज द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा हैव सम सेम सेट ऑफ राइट्स. तो लोकसभा और राज्यसभा को अधिकार है, सेम अधिकार है, बट देयर आर सर्टन राइट दैट आर एंजॉय बाय लोकसभा एंड आर नॉट अवेलेबल टू द राज्यसभा. लेकिन कुछ ऐसे राइट्स है जो लोकसभा को है लेकिन राज्यसभा को नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, बिल्स रिलेटेड टू टैक्सेस आर रिलेटेड टू फाइनेंस. इट मीन जो फाइनेंस से रिलेटेड बिल है वो देखो, बिल्स रिलेटेड टू फाइनेंस आर कंसिडर्ड एज अ मनी बिल, उसको कहते हैं मनी बिल, एंड सच बिल्स आर इंट्रोड्यूस एंड पास इन द लोकसभा. तो वैसे बिल सिर्फ लोकसभा में पास होते हैं. राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल. तो राज्यसभा का उनको इसमें जो मनी बिल है उसमें लिमिटेड पावर है. मीनवाइल द राज्यसभा हैज सर्टन राइट विच आर नॉट अवेलेबल टू द लोकसभा. लेकिन कुछ ऐसे अधिकार है जो राज्यसभा को है बट नॉट अवेलेबल टू लोकसभा, लोकसभा को नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ राज्यसभा फील्स दैट एज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित का कुछ भी डिसीजन रहे, द पार्लियामेंट शुड मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, इट कैन पास अ रिजोल्यूशन टू द इफेक्ट. मीन राज्य सूची के आधार पर जो भी कुछ राष्ट्रहित का डिसीजन होता है वो लेने का अधिकार राज्यसभा को है, दैट इज नॉट फॉर लोकसभा. ओके, तो ये वीडियो को तुम्हें देखना है, इसके हार्ड वर्ड्स लिखने हैं.
ओके, थैंक यू।